Hey everyone, welcome to Pathshala. I'm Mona Ritesh and today we're discussing the trigonometry exercise 4C ra question number 3 ko. Solution part ko jump kareya guru quickly data in mention kareya chahun ji. First thing is exercise 4C na re mode playlist create kare chi. E playlist re tumne exercise ra sabu solution videos guri ko gote jagare pai pariyo. And the second thing is e Pathshala na re mode Telegram channel de create kare chi jo thri ki tumne sabu question ra handwritten solution note ko pai pariyo. Playlist link and Telegram channel link दी डागा description राची, make sure तुम्हें playlist को visit कोर्चो और Telegram channel को join कोर्चो. With that being said, चला दिखिवा question number 3 रे कौन कोर्च. So, the question number 3 कौन कोर्च, 2 meter उच्च, जोने दस्टर को देखिला जे, कौन देखिला 24 meter दूरे थिवा, एक स्तंबर कोणी को उन्नतिरे परिमाण 30 degree हेले, स्तंबर उच्च दागो determine करो बोली कहेला. ओके तो हमर दर्शक होउची 2 मीटर लेट्स से ए बी होउची हमर दर्शक जार हाइट होउची 2 मीटर तार टू 24 मीटर दूर ओडे स्तंभ अछि तो तार टू 24 मीटर दूर एडो 24 मीटर दूर सेथि ओडे स्तंभ अछि से कोन देखला स्तंभ रे कोणिक उन्नतिर परिमाण 30 डिग्री तमने कोन स्तंभ रे हाइट ए लोकर हाइट तो जाहलिब अधिक नहले कोणिक अवनति थांदा बुझि परछो तरे लोकर हाइट टू टिके अधिक उच्च अछि ओडे कोन स्तंभ जार हाइट हम जानने आ स्तंभ को हमने कोन दे देले सीई एवढे एक्सटेंशन रे ड्रा करिया कोन ड्रा करिबा आमे लोकर हाइट पॉइंट ए रो बी सी प्रति गो पैरेलल ड्रा करिया जे की सी ई को पॉइंट डी रे मीट करिवो माने ए डी को हमने ड्रा करिबा जोथरी की ए डी इज पैरेलल टू कोन बी सी आ सी ए स्तंभ को पॉइंट डी रे मीट करछ मुझेला फर्दर कोन कहैला पॉइंट ए रो स्तंभ रो शीर्ष को कोणिक उन्नति रो परिमाण केते गिवन दे दिछि एटा होची 30 डिग्री गिवन दे दिछि फाइन डायग्राम डन क्वेश्चन वी 50% सॉल्व एमे को इन ट्रायंगल ए डी ई टैन 30 डिग्री केते हो टैन 30 डिग्री हिज बट डी ई डिवाइडेड बाय ए डी हगने देखो बी सी केते 24 मीटर गिवन दे दिछि ताले ए डी बी केते हिज बट 24 मीटर हिज बट तले हम ने कोन लिख परबा 1/√3 इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय 24 तले DE हम ने कित पाए गेले DE हम ने पाए जिबा 24 डिवाइडेड बाय √3 हो कि ने DE इज इक्वल टू हम ने पाए जिबा 24 डिवाइडेड बाय √3 एबे √3 तले रह परबो कि तले रह परबो ने काहे ने एउटे इरेशनल नंबर तले रह परबो नाही तो बोथ साइड हम ने कोन ऊपर तले हम ने √3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये √3 इनटू √3 केते हि जिबा 3 हि जिबा आ ऊपर होइजबे √3 सो इट देखो d इक्वल टू केते पहिले माने 24 डिवाइड बाय 3 इनटू √3 सो 24 डिवाइड बाय 3 केते हिजबो 8 सो 8 √3 होछि कोन de d रे को डिस्टेंस ता a डिस्टेंस पहिले माने 8 √3 बुझियला तले स्तंभ रे हाइट केते होबो 8 √3 प्लस 2 होगने तले स्तंभ रे हाइट CE इज इक्वल टू DE प्लस CD व्हिच इज इक्वल टू 8 √3 प्लस 2 यदि बोथ रे माने कोन 2 कॉमन नै जिबा तले हम आंसर कोन जिबो 2 होल इनटू 4 √3 प्लस 1 व्हिच इज आवर आंसर सो इट इज द क्वेश्चन नंबर 3 आशा करछु तुमने बहुत भल से बुझी परथिबो यदि किछ भी डाउट थाय कमेंट सेक्शन रे लिखि के निहाती जानिबो थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग एंड देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे